जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडजी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, केवल वो करें या नहीं करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, यूपीएससी इतना टफ होता है, क्या मैं कर पाऊँगा, मेरे तो नंबर भी कम हैं कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में या फिर 10th 12th में, तो मैं क्या यूपीएससी कर सकता हूँ क्या। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता रहा और मुझे उम्मीद है कि आपका शायद ये क्वेश्चन रहा हो या फिर है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसमें कोई भी फिट हो सकता है, ठीक है, जीरो से लेके हीरो तक। जो अपने आप में कॉरपोरेट सेक्टर में लाखों की जॉब कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र में एकदम जीरो बन के ही आते हैं, और जो लोग जीरो हैं वो तो जीरो बन के आते हैं सर, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपका ये सोचना कि ये एग्ज़ाम टफ है इस वजह से मैं करूं या नहीं करूं, ये आपकी गलतफहमी है। बस आपको सोचना ये है कि आप करना क्या चाहते हो, आपके दिल से क्या आ रहा है, कि आप यूपीएससी करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, जो भी समस्याएँ दिखाई देती हैं क्या आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ये अगर आपके अंदर जुनून है तो ये जॉब बिल्कुल आपके लिए है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ये टफ़ है किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, दुनिया में सारी चीज़ें टफ होती हैं, हर व्यक्ति के लिए टफ होती हैं, लेकिन दुनिया में सारी चीज़ें सरल होती हैं, बशर्ते उस व्यक्ति को वो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको माइंड से कोई भी चीज़ तोड़नी पड़ती है। यदि आपने माइंड से कोई भी चीज़ तोड़ दी तो दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके टूटे ना आपसे। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपने महसूस किया होगा कोई भी चीज़ आपको सरल लगती है तो वो हो ही जाती है, उसका होना तय हो जाता है। लेकिन जब तक आपके माइंड में टफ लगता रहता है किसी भी मामले में, कुछ भी हो वो, चाहे कभी आप ईंट तोड़िएगा, हाथ से ईंट को तोड़िएगा, जब तक आपने नहीं तोड़ी है तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा ये टूट ही नहीं सकती है, टूट ही नहीं सकती है। हो सकता है आपको थोड़ी सी चोट लगे कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस दिन आप तोड़ दोगे ना ईंट को हाथ से, तो आपको वो क्या क्या लगने लग जाएगी, सरल लगने लगेगी, अरे ये तो टूट सकती है आराम से। तो बस आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपने जिस दिन सोच लिया कि मुझे बस ये करना है, उसी दिन आप एक तरह से बने हुए महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो मानसिक रूप से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको तैयारी करनी होगी, जो भी आपका समाज रहा, दायरा रहा, उन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जब आएगी। और ये भूल जाइए कि ये एग्ज़ाम टफ है, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री के अंदर दो पेपर होते हैं, जो कि जनरल स्टडी का होता है और एक होता है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर में 66 नंबर लेके आने होते हैं, जो नॉर्मल सभी लगभग ले ही आते हैं थोड़ा सा प्रयास करने पर, ठीक है। जीएस के पेपर पर फोकस करना होता है, देश दुनिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, इन सारी चीज़ों से जुड़ा रहना चाहता है, जुड़ाव होना चाहिए बस आपका। आपको बस एक अंदर आपके जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप यार ये मतलब दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी जहाँ भी जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, यूएनओ क्या कर रहा है, डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, इस प्रकार की आपके अंदर जिज्ञासाएँ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी घटनाएँ हो रही हैं, राष्ट्रीय लेवल पर जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जो भी संसाधन हैं आपके पास, मान लीजिए गरीबी से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं कौन सी चल रही हैं, आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि आपको पूर्ण रूप से जागरूक हो जाना है। आपको सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए जिससे समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है। यदि आपके अंदर वो काबिलियत है तो बिल्कुल यूपीएससी आपके लिए, बस कुछ नहीं करना, यूपीएससी में बिल्कुल जागरूक बनना है, बस कोई पढ़ाई नहीं है, ये लोग इसे पढ़ाई समझते हैं, ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, ये है जागरूकता। आप जागरूक हैं कि नहीं हैं, बस जागरूकता से ही संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें। आप कितने एथिकल हैं, इससे रिलेटेड फोर्थ पेपर डाल दिया है, आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, आप समस्याओं को कैसे हल करेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें इस एग्ज़ाम के अंदर हैं, ना कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण सा व्यक्ति, कोई भी हो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, मुझे पक्का विश्वास है यदि अपने माइंड में ठहरा ले कि मुझे ये करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है इस बारे में। बशर्ते आपने क्या किया है, इधर उधर से बातें सुनी हैं, इधर उधर से बातें सुन रहे हैं आप, बस इस कारण से आपके अंदर जो है ये चीज़ें हो रही हैं कि यार हो सकता है या नहीं हो सकता है, वरना आप ठानिए, बैठिए, सिलेबस देखिए और बस क्या करिए, आप अब जागरूक हो जाइए। जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो मैगजीन्स में आ रहा है, उनको एक तरह से जो कहते हैं ना घोल कर पीना, यानी कि उन्हें ऑब्जर्व करने लग जाइए क्या चीज़ें हैं ये,
आखिरकार ये योजना एक तरह से निकली, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, चुनाव आयोग पढ़ लेना चाहिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून पढ़ लेना चाहिए, इस प्रकार से जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनकी क्या किस प्रकार से खड़े होते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जिज्ञासा देनी चाहिए, ना कि राजनीति में नहीं जाना है आपको, आपको पढ़ना है पॉलिटी, राज व्यवस्था, इस प्रकार से ज्योग्राफी है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी देखिए मौसम चेंज हो रहा है, प्री मानसून का टाइम है, तो प्री मानसून क्या होता है, मानसून कैसे बनता है, ठीक है, ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूमने के कारण क्या क्या असर होता है रोटेशन का, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा जानकारी, यानी कि पूर्ण रूप से एक जागरूक व्यक्ति, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक हो जाता है तो अपने आप में यूपीएससी का कैंडिडेट वो अपने आप ही बन जाता है और सिलेक्शन के प्रोसेस में पहुंच जाता है, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, बस आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिज्ञासु और जागरूक, बस जागरूकता की परीक्षा है ये, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये कौन बताएगा आपको, जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है वो बताएंगे, जिनका जिनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से उनसे आप क्यों पूछते हो, जो व्यक्ति तैयारी कर ही नहीं रहा है, जिसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, उससे आप क्यों पूछ रहे हो कि ये टफ है या सरल है, ये तो आपको उससे पूछना चाहिए ना, जो जो व्यक्ति इसको क्लियर कर चुका है वो क्या कह रहा है इस एग्ज़ाम के बारे में, उसे सुनिए ना आप, उससे मोटिवेट होइए ना, उन लोगों से डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं जिन लोगों का नहीं होता है, वो कहते हैं कि बहुत टफ है, बहुत साल लग जाती हैं, बहुत उन्हें लग गई हैं, इस वजह से वो केवल अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, इसी वजह से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर वो जिज्ञासा लेकर लेना चाहते हो, जिज्ञासु हो, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में लगा दोगे उसे, इसे छोड़कर कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इसमें लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये मतलब टफ एग्ज़ाम है तो इसमें दसों साल लग जाएंगे, सिंपल सा मामला है, एक व्यक्ति का 27-28 साल में SSC क्लियर हो रहा है, 27-28 साल में रेलवे में जा रहा है, 27-28 साल में इंजीनियर बनता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 21 साल में IAS निकल जाता है, ये आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं होगा, बहुत सारे उदाहरण है, 21 साल में 22 साल में कितने लोग बन जाते हैं, 23 साल में, तो बस सोच का फर्क होता है, आपने क्या सोचा है कि मुझे ये टफ है, तो आपके लिए क्या हो गया, टफ हो गया, यानी कि आप टफ हो गया, जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों के दिमाग से निकले बिल्कुल, कि ये टफ़ है, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ उनके लिए होता है जो सोच के बैठ जाते हैं, टफ कहीं भी टफ नहीं है बाहर, बस आपकी सोच में टफ है, इस चीज़ से आप जैसे ही निकलोगे आपके लिए सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी, सारी चीज़ें आसान होती हैं, सारी चीज़ें टफ होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, यदि आपने सोच लिया कि ये चीज़ आसान है तो वो बिल्कुल आसान होगी, यदि आपने ये सोच लिया कि ये टफ़ है, आप प्रयास ही नहीं करोगे, आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी आती रहेगी बैकग्राउंड में, इस कारण से वो चीज़ क्या हो जाएगी, अपने आप में टफ ही हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने जो भी पुराने जो भी आपके विश्वास हैं उनको तोड़िए, तोड़िए आप उन विश्वासों को कि ये टफ़ है, ये सरल है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, कोई भी चीज़ सरल नहीं है, बशर्ते आपको ये सोचना हो कि आपको करना क्या है, आपको छोटी मोटी एक जॉब करके रह जाना है या फिर समाज में कोई परिवर्तन लाना है, जो आपके अंदर जो ज्वाला एक तरह से भड़क रही है कुछ करने की, कुछ सुधार की, जब भी आप रोड देखते हो, जब भी आप गरीबी देखते हो, जब भी आप कुछ ना कुछ देखते हो, विदेशों को देखते हो कि कैसा हो रहा है यार, कितना डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो आपके अंदर वो जिज्ञासा आती है, और ये जिज्ञासा कब शांत हो सकती है, इस एग्ज़ाम के जरिए शांत हो सकती है, इस एग्ज़ाम में इतनी ताकत है कि आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप बहुत सारा बदलाव कर सकते हो, बहुत सारा, और आप इतने सारे लोग देख रहे हो, सुन रहे हो और बनना चाहते हो, तो यदि आप में से बहुत सारे लोग बन गए तो उस जो आप करना चाहते हो बदलाव आप लेकर आ सकते हो, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बदलाव एक यूथ ही ला सकता है, और यूथ यदि ऊंचा सोचे, जिसकी बेहतर सोच है, जो कुछ करना चाहता है समाज में, उसे ऊपर उठ के आना चाहिए, और उसके लिए सबसे सिंपल वे जो है, सबसे सरल रास्ता एक UPSC एग्ज़ाम, एक IAS बनने का है, एक IAS बन के आप बहुत सारा बदलाव कर सकते हो, ठीक है, आप सभी जानते हो कि IAS की पावर क्या होती है, यदि भारत में यदि कोई नौकरी है तो वो IAS ही है, बाकी सब तो जॉब हैं, ठीक है, हो रही हैं, लेकिन अधिकार नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर आपको पूरा अधिकार मिलता है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बदलाव करना चाहते हो, यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में करना है, या फिर आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्यों ना करना पड़े, एक सेटअप आप बना सकते हो कहीं ना कहीं छोटा मोटा, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बस अर्थे एक व्यक्ति चाहिए जो क्रिएटिव हो, जो UPSC के अंदर आए क्रिएटिव, अपना क्रिएटिवनेस लेकर कहीं ना कहीं, बस तो आप में वो जज्बा है, आप सरल और कठिन के चक्कर से ऊपर उठ जाइए बिल्कुल,
और आज ही से बिल्कुल लग जाइए। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, स्क्रीन पर एंड में आ जाएंगे वीडियो, देख लीजिए। और हमारी upsc11.com वेबसाइट है, उस पर जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इन सबसे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और भी बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो लोग ये चीज़ सोचते हैं मैं उनको ऊपर लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही में से वो लोग हैं जो टॉपर बनेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा। विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, आप में से ही एक दिन टॉपर आएगा कोई ना कोई, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो ये कहेगा कि मैंने एक वीडियो देखा था, उससे मोटिवेट होके मैंने तैयारी स्टार्ट की, तब मुझे खुशी होगी, मैं इसी वजह से ये काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को कर दें लाइक शेयर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें चैनल, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।